अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग एंड सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। तो आज है ईद का थर्ड डे और अभी मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले। उठने के बाद बहुत सारा पानी पिया है और अब मैं जाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस, इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज ईद पे तो खैर कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ, दोनों दिन घर पे ही गुजर गई, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं डाला। और इसके अलावा बाकी दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिजी थी और साथ एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो काफ़ी प्रेशर और लोड है, तो इस वजह से व्लॉग्स थोड़े कम आए थे। अभी ईद का थर्ड डे है तो आज मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा आज व्लॉग करेंगे। जी बिल्कुल। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम नीचे जाएंगे और ब्रेकफास्ट देखेंगे क्या करना है। तो चलिए। सो गाइस, एज यू कैन सी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये आलू का कुछ करके इस तरह कबाब टाइप, जो कि मेरी बहन ने मुझे कल, बेसिकली उनके अंदर आजकल ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट की आत्मा घुसी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने कल मेरी क्लास ली और उन्होंने मुझे कहा कि ये बनाओ ये खाओ फिर देखना तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो जाओगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं यही, तभी उसने मुझे बहुत ज़्यादा कहा कि ये लो, कार्ब्स लो, प्रोटीन्स लो, तुम ये नहीं लेती, ये नहीं करती, तो उसकी डांट के बाद अब मैं ये बनाने लगी हूँ। ये जो भी है देख लो रिजा, मैं बना रही हूँ। अगर मैं इनको कहा कि मेरा वेट नहीं बढ़ा तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। तो चलिए अब इनको हम करने लगे हैं फ्राई, इसको डाल के। तो ये यहाँ पे हो रहे हैं मेरे कबाब फ्राई, बस अल्लाह करे ये टूटे ना, बाकी सब खैर है। अब इनको फोल्ड नहीं करेंगे नहीं तो उन्होंने टूटते गिर जाना है। साथ ही यहाँ पे मेरी हो रही है बिरयानी, देखें मतलब इतना ब्रेकफास्ट, इतनी सी जान आओ। निकालने के बाद इनको करेंगे इंजॉय। तो ये आ चुके हैं हमारे कबाब, रही चाय और वो रही बिरयानी। तो चलेंगे नाश्ता करेंगे फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आई एम बैक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बन चुकी हूँ गुड गर्ल और मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गई, मैं पढ़ने में बिजी हो गई, तो मैंने पढ़ने के बाद फिर अब मैं फ्री हुई थी तो अब हम लोग जाने लगे थे बाहर। डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना है,
बट हम लोग बाहर जाने लगे थे तो इस वजह से मैं तैयार हुई हूँ अभी, और अभी हम लोग जाएंगे बाहर। पता नहीं कहाँ जाना है, फिर डिसाइड करके हम लोगों ने भी बस तैयार हो गए। आज ईद का थर्ड डे है तो अभी शायद अभी मैं तैयार हुई हूँ, और अब देखे हैं मैंने कहाँ जाना है, और देखते हैं कहाँ जाते हैं हम कहाँ नहीं जाते हैं। सोचा आज मैं व्लॉग शूट कर लूँ बिकॉज आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हैं और मैं भी काफ़ी ज़्यादा ठीक फील कर रही हूँ। और यार बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं तो हर चीज़ वही मैं देख भाल के कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्टिव एक्टिव एक्टिव। तो अभी देखें, अभी मैं इर्तिबा का वेट कर रही हूँ। अभी वो गया हुआ है मेरा पैकेज करवाने, जो कि हो चुका है, तो इसका मतलब वो भी आ ही रहा होगा, तो उसका आते हैं देखते हैं फिर हमने कहाँ जाना है। यस, तो गाइस मैंने जो है वो ये आउटफिट पहना है, और तो गाइस ये रहे मेरे चंद दो चार शूज़। अब मैं सोच रही हूँ कुछ अंदर भी, बहुत सारे अंदर भी पड़े हैं, कुछ नीचे हैं इसके, बट मैंने डिसाइड किया है मैं ये वाले पहनूँगी। सो ये वाले उठा लेते हैं, बाकी ये वाले बहुत मज़े के शूज़ हैं, मेरे फेवरेट है। ये मैंने अभी जो कि वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट की है उसमें मैंने वाले शूज़ किए, तो ये वाले शूज़ निकालते हैं, और ये शूज़ थोड़े गंदे हो रहे हैं, इनको साफ करते हैं। प्लीज़ इग्नोर माई हलरामी। अब इसको अंदर कर देते हैं, अंदर हो जाए दूँगी। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? क्या फील कर रहे हैं? नो कमेंट। व्हाई नो कमेंट? यू डोंट लाइक हॉटपॉट? एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं करने चाहिए भाई। जैसे हॉटपॉट का सामान आता जा रहा है तो बाकी चेहरे से क्या है, आपको क्या टेंशन है? आपको अच्छा नहीं हुआ तो we are waiting for our hot pot. yaar koi bakwas nahi. to guys hum log hot pot ke liye bozo aaye the jo q cinema mein tha, aur हमारा रिव्यू अगर हम आपको दें तो बहुत ही गंदा रिव्यू था, बिकॉज मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, फिर भी मैंने आके शश के दिखाए, आप देख लें, कोई बात नहीं, देख लें। ब्रॉड आ चुकी है, ये कोई सॉस दिया है इन्होंने अजीब सा, और ये है चिकन बॉल, तो देखें अभी एक साथ तो नहीं डालूंगा, सारे डाल तो सारे साथ नहीं खाएंगे तो छोड़ के देंगे, हमें तो नहीं लग रहा हम खाएंगे, फिर भी डाल दो। चुके हैं बोजो से वापसी, और जैसा कि आपको मेरी शक्ल से दिख रहा है एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था यार। मतलब हम लोगों ने एक तो हॉट ब्रॉथ कराया था, वो हॉट होते हुए भी मतलब कोई इतना स्पाइसी या टेस्टफुल नहीं था, और इसके अलावा कि हमने बेसिकली जाना था नोवू, बट नोवू में जब उनको कॉल करो या तो उनकी अवेलेबल नहीं होती सीट्स, या तो हॉट पॉट अवेलेबल नहीं होता,
सो इस वजह से हम लोगों ने सोचा फाइनली हम चले ही जाते हैं, बोजो कोई बात नहीं, हम बोजो चले गए। अब जेन्युइनली आई डोंट लाइक चाइनीज फूड, क्या पता मुझे इस वजह से ना अच्छा लगा हो। उसमें जस्ट वॉन्टॉन्स जो थे मैंने ऐड कराए थे वो मुझे अच्छे लगे थे, और असल में ना उन्होंने मुझे एक स्पाइस ब्रॉथ देने से पहले ना उन्होंने ना पहले बॉल में ऑलरेडी पीनट सॉस डाला हुआ था, वो इतना गंदा और इतना वियर्ड टेस्ट कर रहा था ना, जिस अभी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ ना मुझे वही टेस्ट आ रहा है, मुझे इतना अजीब लग रहा है, और उससे सर मेरा दिमाग हिल गया। तो वो सॉस बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। उसके अलावा हमने ऐड कराए थे शिटाकी मशरूम्स, वो भी हमने नहीं खाए, बिकॉज़ पता नहीं हमने क्यों नहीं खाए, मुझे बिल्कुल पर्सनली नहीं अच्छा लगा। अगर दो चीज़ें अच्छी लगी उसमें थे नूडल्स, और दूसरी जो चीज़ थी वो था क्या था, हाँ वॉन्टन्स, चिकन वॉन्टन्स। तो पता नहीं यार आप लोगों को पसंद आए ना आए, आप लोग जाओ, आप लोगों को चाहिए भाई एक्सपीरियंस, मैंने भी एक्सपीरियंस करना था, मुझे भी सबने बहुत काफ़ी लोगों ने बैड रिव्यूज़ दिए थे, बट फिर भी मुझे था कि नहीं 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 मैंने जाना है एक्सपीरियंस करना है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। लेकिन अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो जाओ, बट वेस्ट ऑफ मनी है और कुछ नहीं। अगर आप लोग चाइनीज़ फूड लवर हो तो ही जाओ, अगर नहीं हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आना। जी तो ये था आज का, आज की अखबारी। तो अभी व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने लगी हूँ। और गाइस मेरी तरफ से फिर से आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक, और अपना ख्याल रखें बहुत बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।